हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और एक ऐसे पावर शेयर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि आपको एक साल के अंदर 340 रुपये तक के भाव आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या ये टाटा पावर है? बिल्कुल, मैं ना बात टाटा पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। टाटा पावर तो ऑलरेडी 340 के आसपास ट्रेड ही कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये सुजलोन पावर है? मैं सुजलोन पावर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या और कौन सा पावर है? रिलायंस पावर तो 20 रुपये हैं, तो क्या 340 चला है? उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कौन सा, क्या मैं इरेडा की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे इरेडा आपको मैं क्लियर करता था, यहाँ पे इरेडा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा जो पावर सेक्टर है जो कि एनर्जी सेक्टर पर भी काम करता है, और उसके अलावा और यहाँ पे 4-5 सेक्टर उसमें पावर से रिलेटेड है, तो वो शेयर अभी आपके सामने काफ़ी कम प्राइस पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और 340 रुपये तक के भाव जा सकता है। और ये मैक्सिमम के लगभग आपके डाटा और मिनिमम आपको 250 के लेवल तो आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा साल भर बाद में। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपके सामने यानी कि 340 रुपये तक के भाव यहाँ पे दिखा सकता है इसी शेयर। तो साथ ही अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो कौन सा शेयर्स है जिसके बारे में आपको यहाँ पे इतनी उत्सुकता हो रही है जानने के लिए, और उस कंपनी के पीछे का बिजनेस क्या है, और कंपनी का जो आगे के टारगेट किस प्रकार आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, और क्या उसको आप कंपनी को क्या ऑर्डर यहाँ पे लगे हैं। तो सबसे पहले आपको बताने वो शेयर्स का नाम आपके सामने यहाँ पे मैंने लगा दिया है। शेयर्स का नाम है SJVN शेयर्स। SJVN शेयर्स जो यहाँ पे हैं, SJVN शेयर यहाँ पे लिमिटेड जो शेयर है, ये लिमिटेड का मतलब क्या है कि कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसको मतलब प्राइवेट कंपनी जब लिस्टेड होती है और वो लिमिटेड लगा देती है, कोई प्राइवेट कंपनी है जो दिग्गज कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड होती है, सेबी रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद में लिमिटेड वो लगा देती है, रजिस्ट्रेशन करा लेती है, उसके बाद लिमिटेड लगा देती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो यहाँ पे SJVN शेयर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो कंपनी के कारोबार के दौरान यहाँ पे 3.5% का यहाँ पे इसमें उछाल देखने को मिला, जो कि अभी 125 के आसपास यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे ये शेयर कर रहा है। कंपनी के अगर एक साल की बात करें यहाँ पे, तो शेयर्स यहाँ पे 2 गुने से ज़्यादा यहाँ पे शेयर यहाँ पे हो चुका है, 270% के लगभग यहाँ पे इसने रिटर्न यहाँ पे दे डाला है। और यहाँ पे तेजी की वजह क्या है? अभी कंपनी में हाल ही जो तेजी आई है उसके पीछे जो आपके सामने यहाँ पे है कि शेयरों में इस तेजी के पीछे एक यहाँ पे बड़ा ऑर्डर यहाँ पे इस कंपनी को देखने को मिला है। तो ये जो कंपनी है SJVN ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है, इसके दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं जो या करें पूरी अगर बात करें यहाँ पे, तो इस कंपनी के अंदर यहाँ पे जो तेजी के पीछे तो ऑर्डर यहाँ पे रहा है, और इस कंपनी की जो पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है वो मुख्यमंत्री के सोलर कृषि वाहिनी योजना के तहत यहाँ पे कौन कौन सी जगह यहाँ पे कारोबार यहाँ पे यानी कि इनका काम चल रहा है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक तो चल रहा है यहाँ पे नासिक के अंदर, सोलापुर के अंदर, अहमदनगर के अंदर, पुणे के अंदर, यहाँ पे ये विकसित होने वाले संचित 1300 ये जो 52 जो मेगावाट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इस चीज़ का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है, एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे ही ऑर्डर मिला, खबर पब्लिश हुई, तो शेयर्स के अंदर आपको पता है शेयर्स के अंदर जबरदस्त यहाँ पे उछाल आपको देखने को मिला। तो ये एक कहना कि शेयर्स के लिए एक बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि शेयर्स आने वाले समय में ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि शेयर्स को यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं जिसकी वजह से शेयर्स में यहाँ पे देखें कि खरीदारी जारी है। अगर शेयर्स को ऑर्डर, कोई भी कंपनी को ऑर्डर मिलना अब कम बंद हो जाता है, इसका मतलब उसका कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा है और शेयर्स के अंदर फिर गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कंपनी को ये सुजलोन की तरह इसको भी ऑर्डर मिल रहे हैं, टाटा पावर की तरह इसको भी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इन शेयर्स को ऑर्डर मिल रहा है तो शेयर्स आगे ग्रोथ करेगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो आपको शेयर्स मार्केट के अंदर भी खरीदारी जारी देखने को मिलेगी। तो और इसके जो खास बात क्या है यहाँ पे कि ये जो 1300 जो 50 मेगावाट सोलर एनर्जी परियोजना के विकास पर कुल निवेश कितना होगा? कुल निवेश की अगर यहाँ पे बात करें तो आपके सामने यहाँ पे 7,436 करोड़ का निवेश होगा। तो आपको पता 7,436 करोड़ का यहाँ पे निवेश होगा, तो इसमें कंपनी कुछ तो कमाएगी प्रॉफिट, तो इस जो प्रॉफिट वो ऐड होगा तो कंपनी के आपको पता बैलेंस शीट में ऐड होगा, उस प्रकार बैलेंस शीट में ऐड होगा तो बैलेंस शीट मजबूत होगी। शेयर्स के अंदर आपको उछाल आना यहाँ पे लाजमी के अंदर उछाल आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं शेयर्स इसके कारोबार क्या है, जो कि आपको मैंने बताया ना कि मल्टी कारोबार करता है, पावर सेक्टर से रिलेटेड मल्टी कारोबार ये कंपनी करती है। तो इसके कारोबार में थर्मल पावर, ठीक है, और उसके अलावा हाइड्रो पावर, ठीक है, उसके अलावा पवन ऊर्जा, ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो सौर ऊर्जा भी यहाँ पे है, ठीक है, और पावर जो ट्रांसमिशन है वो भी है, और कंसल्टेंसी है वो है, और पावर ट्रेडिंग भी शामिल है। कितने यहाँ पे जैसे इसके अंदर कितनी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, यानी कि मल्टी यानी कि कारोबार करती है कंपनी पावर से रिलेटेड, सारे जो भी है सब पावर से रिलेटेड है, लेकिन सब मतलब अलग अलग पावर के अंदर भी अलग अलग है ना, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सौर ऊर्जा पावर, पावर ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी, पावर ट्रेडिंग, सारी चीज़ों पर कंपनी काम करती है। तो शेयर्स के अंदर तो ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। अब शेयर्स के टारगेट भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले इसका जो रिजल्ट के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे ग्राउट रिजल्ट में रही है, और कुछ कुछ रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे रहा है। और 2024 की तीसरी तिमाही में यहाँ पे जो अगर बात करें इसकी, पन बिजली परियोजना में कम उत्पादन के कारण परिचालन में राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि में यहाँ पे 2% यहाँ पे 2.5% कम हुआ है। लेकिन किसके कारण यहाँ पे जो कंपनी ने रीजन दिया है किसके कारण, यहाँ का 2024 की तीसरी तिमाही में पनबिजली परियोजनाओं से कम उत्पादन, पनबिजली परियोजनाओं से इनको उत्पादन कम हो, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे राजस्व घटा है। अब शेयरों में तेजी आएगी 2025 तक, अगर शेयरों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आपके सामने जो मौजूदा हालत है, अभी आज आपके सामने यहाँ पे शेयर अभी 125 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2025 की अगर बात करें यहाँ पे, तो मार्केट की जो एक्सपर्ट है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, मार्केट का जो एक्सपर्ट वो क्या कह रहा है, मार्केट एक्सपर्ट ये कह रहा है कि शेयर 2025 में आपको 230 तो मिनिमम, और जो मैंने मैक्सिमम आपको बताया है कि शेयर आपको लगभग लगभग आपको शेयर जो जाता हुआ दिखाई देगा वो लगभग लगभग आपके सामने यहाँ पे 340 के आसपास शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 340 रुपये के जो लेवल है वो शेयर आपको दिखा सकता है 2000, अगर मैं 25 की यहाँ पे बात करूँ 2025 की। तो ये शेयर के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो उसे एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।